और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज्यादती करते रहे। नमस्कार, हमारे रिपोर्टर लठ नवाज पख्तून द्वारा प्रस्तुत आज की इस रिपोर्ट में हम मस्खरवादी खुदाई के नए पहलू को देखेंगे। ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि कैसे बाल्यकाल से ही काली बोरी में बंद रहकर पहले अपने घर परिवार और निम्बुओं के विकसित होने के बाद से मादरसे के मजहबी विद्वानों की लाठियों को धोकर पूर्ण रूप से मस्खरवादी सिद्धांतों पर चलने वाली मादा मादरसे में एक ऐसे मस्खरवादी विद्वान के चंगुल में फंस गई जिसने अपने लिए दुख की आपूर्ति हेतु विशेष रूप से एक अधेड़ मादा को नियुक्त कर रखा था। 16 वर्ष की होने का दावा करने वाली मादा को मादरसे में नियुक्त वो मादा पहले तो पकड़कर मादरसे के मुख्य उस्ताद मौलाना गणनवाज तहमत दई के पास ले गई और उसके बाद उस्ताद गणनवाज तहमत गई और उस अधेड़ मादा ने मिलकर 16 वर्षीय मादा के काली बोरी से लेकर दुग्गी की रक्षार्थ पहने जाने वाले त्रिकोणीय वस्त्र को भी उतारकर उसे आवरण विहीन कर दिया। दुग्गी के आवरण विहीन हो जाने के बाद वो अधेड़ मादा अपने हाथ से पकड़कर मौलाना की चीरायुक्त लाठी को उस 16 वर्षीय दुग्गी में व्यवस्थित रूप से उतारकर बाहर चली गई। कुछ देर तक तीव्र गति से अपनी लाठी प्रक्षालित करने के बाद उस्ताद गणनवाज तहमत गई भी उतर गया और बेचारी दुग्गी दुखी मन से वापस अपनी काली बोरी में जाकर घुस गई। लेकिन पूरी घटना के बाद 16 वर्षीय दुग्गी ने पुलिस को शिकायत दे दी। जब हमारे रिपोर्टर लठ नवाज पख्तून ने 16 वर्षीय दुग्गी से शिकायत करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि लाठी प्रक्षालन तो वो पूरी श्रद्धा से बचपन से ही करती आ रही है, पर उस्ताद गणनवाज तहमत गई ने काली बोरी के आवरण को हटाकर उसे आवरण विहीन करके उसकी दुग्गी में जो लाठी प्रक्षालन किया वो मस्खरवादी सिद्धांतों के विपरीत था, क्योंकि नीच मूर्ति महाजाहिर लुच्चुद्दीन 786 मस्कर रहमत उल्लू वाले ने दुग्गी को हमेशा काली बोरी से ढककर प्रयोग में लेने का आदेश दिया था। एक 16 साल यतीम बच्ची के साथ जो दरिंदगी का शिकार हुई हैं, किसी और ने नहीं, अपने ही उस्ताद जो मुफ्ती हैं, मौलवी हैं और पेशे इमाम हैं एक मदरसे में, एक मस्जिद में। हमारे साथ जो सिस्टर बैठी हुई हैं, इसकी उम्र 16 साल है और ये इसकी माँ है जो मदरसे का एक मुफ्ती है। उन्होंने जो इसको दरिंदगी का शिकार किया, ज़बरदस्ती इसके साथ मुबैना ज़्यादती के इनके साथ, या इनकी ज़ुबानी आप खुद सुनेंगे। जामतुबा ज़ियाल बनात। और जिस मुफ्ती ने ये जो घिनौना हरकत की है उसका नाम क्या है? मुफ्ती शहनवाज अहमद ज़ियाई। अच्छा, इसके साथ आप कितनी तक, मतलब कितना अरसा इसके साथ सबक पढ़ती थी? सात, मुझे मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए थे गुज़िश्ता। अच्छा, इन 7 सालों में इसका कोई हरकत? ये 5-6 महीने से मुझे सिर्फ बात हरासा करते रहे थे कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। अब बहन जी, जो भी बात है कुल के सामने बता रहे, कैमरे के सामने। जी, हफ्ते का दिन था, 14 अगस्त थी और मेरी उस्तानी इशरत वहाँ की रहायशी टीचर थी। अच्छा। उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया और कहा कि उस मौलवी साहब जो कहते हैं मान लो वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे वो अपने साथ लेकर मुफ्ती शहनवाज के कमरे में ले गई, ऊपर कमरे में ले गई और उस कमरे के 2 दरवाजे थे, लेकिन उस कमरे का 1 दरवाज़ा पहले से ही बंद था और दूसरा दरवाज़ा मौलवी साहब के साथ इशरत ने मिलकर दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फिर मेरे साथ मौलवी साहब ने ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मुज़ाहमत की तो उन्होंने मुझे, मौलवी साहब ने इशरत के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज्यादती करते रहे और इशरत को फिर बाहर भेज दिया था। और इशरत ने पहले मुझे कावे की शक्ल में कोई निशावर चीज़ पिलाई जिससे मैं नीम हालत में थी, मुझे बेहोशी सी हल्की हल्की चल रही थी। और इशरत को बाहर भेज दिया और मेरे साथ उस मौलवी साहब ने ज्यादती करते रहे, मुझे तशद्दुद का निशान बनाया, ज्यादती का निशान बनाया और मेरे साथ ज्यादती करते रहे। और इशरत को फिर उन्होंने मेरा सर भी पिलर के साथ मारा, मेरा मुँह भी नोचा और मुझे शोर करने का मौका भी ना दिया। फिर मौलवी साहब ने इशरत को बुलाया और इशरत कमरे के अंदर आई और मौलवी साहब ने यह भी कहा कि इसे मिलने की इजाज़त नहीं है किसी से भी, कोई उस कमरे के आर पार मुझे नज़र ना आए, ये आपकी ड्यूटी है। उन्हें ड्यूटी भी दी थी, उन्हें समझाया भी था। वो इशरत, वो उस्ताद मौलवी साहब के साथ मिली हुई हैं, पूरे तौर पर मिली हुई थी और उन्होंने मुझे लेकर मुझे कपड़े पहना कर नीचे वाले कमरे में ले गई।
नीचे वाले कमरे में लेकर गई और बंद कर रखा था मुझे, और मेरे साथ उस कमरे के अंदर मौजूद थी। उन्होंने मेरे कपड़े तब्दील करवाए और मेरी शलवार में जो टांगों में खून लगा था और मेरी गंदगी लगी हुई थी वो मुझे धुलवाई, और उन्होंने मेरी सफाई करवाई, और फिर मेरे कपड़े तब्दील करवाने के बाद उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने एक दिन, पीर वाला दिन था और 2 बजे का टाइम था, वहाँ की गैर रहायशी अनम नाम था उनका, आना जाना करती थी, और वो अचानक उस कमरे में आई और उन्होंने अचानक से कुंडी खोली और मेरी यह हालत देखकर वो भी खौफजदा होगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने की है, कैसे हुई है तुम्हारी हालत, तुम्हें ऐसा लगता है किसने मारा है, क्या हुआ? लेकिन मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें कुछ ना बताया। मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझे उल्टियां भी हो रही थी, जिसके ज़रिए मैंने उन्हें कुछ ना बताया, और मौलवी साहब ने मुझे धमकियां भी दी थी जिसकी वजह से मैंने उन्हें कुछ ना बताया। उन्होंने मुझे धमकियां दी थी, असला दिखाकर मुझे कत्ल की धमकियां दी थी, और मुझे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके लाना लई में फेंक दूँगा अगर तुमने जामिया में किसी लड़की को बताया, या किसी टीचर को बताया, या किसी लड़की को बताया, या घर में किसी को बताया। घर की भी उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने घर में किसी को बताया तो मैं मेरे पास बम का सामान भी मौजूद है जिसके ज़रिए मैं आपका घर का बम घर को बम से उड़ा दूँगा। जी, उन्होंने ये भी मुझे धमकी दी थी। उन्होंने असला दिखाकर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी, बहुत उन्होंने मुझे बहुत डराया और धमकाया मुझे। उसके बाद फिर वो जो अनम थी, गैर रहायशी थी, वो मुझे वहाँ से लेकर मुसलसल मैं उन्हें यही कहती रही कि मेरे घर में कॉल करवा कर किसी को बुला दें ताकि वो मुझे घर ले जाएं। उन्होंने मेरी यह हालत देख कर वो खौफजदा होगी। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ के सीधा आपी जान, मौलवी साहब की वाइफ, उनके पास ले गई, वो प्रेग्नेंट थी, उनके घर ले गई। और उन्होंने भी मेरी यह हालत देखकर मुझसे भी पूछा, इशरत से भी पूछा, अनम से भी पूछा, लेकिन इशरत ने कुछ ना बताया। उन्हें हर बात का पता था, वो उस्ताद के साथ शामिल थी, लेकिन उन्होंने कुछ ना बताया। मौलवी साहब को भी बुलाकर उन्होंने पूछा, उनकी मौलवी साहब और उनकी वाइफ में आपस में बहस हो गई। मौलवी साहब गुस्से में आकर अपनी बीवी को गालियां देना शुरू कर दी कि ये नाटक कर रही है, छोड़ दो, नहीं जाने देते। उनकी बीवी ने कहा कि नाटक नहीं कर रही, उसे चक्कर और उल्टियां लग रही हैं, इसे क्या मसला है, 2 दिन इसे कमरे में कैद क्यों रखा आपने, बस मुझे नहीं पता, इसके घर में कॉल करवाएं। फिर उन्होंने, मौलवी साहब ने अपनी बीवी के ज़ोर पर मेरी वालदा को कॉल की और कहा कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आके ले जाएं। फिर मेरा भाई, तकरीबन 10 मिनट तक मेरा भाई आया, रेहान नाम है उसका, मेरा भाई आया और वो मुझे घर ले आया जामिया से घर ले आया। मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार थी, और मैं जैसे ही घर आई मुझे चक्कर से आए और मैं बेहोश भी हुई, और फिर मुझे उल्टियां भी नहीं रुक रही थी, मुझे बहुत उल्टियां लगी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी वालदा ने जब मेरी ये चेहरे पर तशद्दुद के निशानात देखे, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात देखे, फिर मेरी वालदा ने, मैं अपनी वालदा के गले लगकर जोरों कतार चीखें मार मार कर रोने लगी, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, मैं किधर हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर से आ रहे थे उस टाइम। मेरे घर वालों ने भी रोते रहे, तसल्लियाँ देते रहे, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ ये हाल किसने किया, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, किसने मारा, उन्होंने भी मुझसे पूछा। मैंने अपनी वालदा के गले लगी और ज़ोर ज़ोर से चीखें मार कर रोने लगी, और मेरी वालदा भी रो रही थी, तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन मैंने उस्ताद की धमकियों से, मैं डरी हुई थी, खौफजदा हुई हुई थी, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ ना बताया। जब आधी रात हुई, मेरे घर वालों ने कहा कि इसे इलादा अकेले में पूछना ताकि ये बता सके। फिर मेरी वालदा ने आधी रात को मुझसे पूछा, और मैंने अपनी वालदा को मौलवी साहब के बारे में सब बताया कि मेरे साथ उन्होंने ज्यादती की है। फिर उन्होंने, जब मैंने ज्यादती का बता दिया था और तशद्दुद के निशानात मैंने कहा, उन्होंने मेरा मुंह नोचा, मुझे पिलर के साथ मारा, मेरा सर मारा, मैं बहुत ज़ख्मी हो गई। ठीक है, यही तक आपकी बात ठीक है, क्योंकि जो बातें थी आपके साथ जो हुई थी वो तो आपके साथ हो गई, आप घर तक आ गई। अब इसके बाद मैं आपकी वालदा से भी कहता हूँ, जैसे ये बहन कह रही कि मैं घर पर आया, आपने इनसे पूछा रात के वक्त अकेले में पूछा, जाहिर सी बात है माँ बेटी के दरमियान तो ऐसी बात होती नहीं है, तो इसने आपको हकीकत बता दी। उसके बाद इसके कुछ दिन भी हो गए थे और उसने तो ये प्लानिंग भी बनाई थी ताकि पुलिस का जो टाइम होते हैं, मतलब इसमें टाइम लग गया, 4-5 दिन तो लग चुके होंगे,
तो उसने एफआईआर की खातिर इतने टाइम भी लगाए, जब ये घर आई तो आपने फिर उसके बाद क्या किया? मैंने तो बस सीधा सीपीओ के पास जाने का फैसला किया। अच्छा, थाने जाने का फैसला इसलिए नहीं किया कि बात दब जाती है थानों में, तो इसलिए मैं सीधा सीपीओ के पास गई। सीपीओ साहब ने मुझे दरख्वास्त मेरी फ़ौरन कबूल की और फ़ौरन आर्डर किए कि भाई इसके पे पर्चा दिया जाए, फौरी गिरफ्तारी हो। अच्छा जी, बस मैं घर आई तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एफआईआर हो गई है, बच्ची का मेडिकल करवाएं। मेडिकल के लिए हॉस्पिटल गए तो मेडिकल में क्या हुआ, मेडिकल रिपोर्ट तो मतलब कैसे आए हैं, मतलब उसमें कुछ हादसात थे इनके साथ जो उन्होंने कुछ किया था? जी जी, मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई ये मसला हुआ है, लेकिन आप कल आके सीनियर डॉक्टर से दोबारा अपनी तसल्ली के लिए गायनी में चेक करवाएं, गायनी में आए। अच्छा। तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है और हम आपके साथ हैं और आप जाएं। उन्होंने मुझे बताया कि बीबी मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, सज़ा मिल चुकी है उसे। मैंने कहा अभी तक इन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया, तो उन्होंने ही कहा कि क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रहे, पुलिस वालों से बोला है। उन्होंने कहा जी बस मेडिकल देखना चाह रहे थे, अब हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये बातें हुई, सब हुई, तो जब ये वापस इधर आए तो ये लोग कह रहे थे कि वो फ़रार हो चुके हैं, वो नहीं है, भाई सब हो गया था। फिर जब सीपीओ साहब ने एक्शन लिया, उन्होंने आर्डर किया, सब कुछ किया, तो इन्होंने गिरफ्तारी कर ली थी इनकी। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अब जब कल कोर्ट में पेश हुए तो अबूरी ज़मानत निकल आई कि भाई इन्होंने अबूरी ज़मानत की हुई थी। तो अब वो बाहर आए हैं कल, तो अभी वो खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां दावतें खा रहे हैं। बात सुनी, लेकर इल्तिजा है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से कि इस बात को हाईलाइट करें, क्योंकि हमारा तो इतना काम है कि वहां से यहां तक आना। आशा है कि मौलाना गणनवाज द्वारा 16 वर्षीय दुग्गी को आवरण विहीन करके लाठी पर धारण करने संबंधी लठनवाज फख्तून की रिपोर्ट ने आपको मदरसे की खुदाई शिक्षा प्रणाली से अवगत करवाया होगा। इस विषय पर आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाकड़ी टॉक और टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बम बम।